नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिलसिला बाजारों का। सिलसिला बाजारों का में आज चर्चा करेंगे यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। रूपा जी, देख रहे हैं यहां से कैसे सीट का दिसंबर वायदा आज भी 6420 पर कारोबार करता नजर आ रहा है 1% की तेजी के साथ। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीट का वायदा बाजार में दिसंबर वायदा में थोड़ी अब जाके एक हल्की सी बढ़त देखने को मिली है लगभग एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशंस के बाद। आपको क्या लगता है, क्या अब कैसा सीड में यहां से एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलेगा या फिर अभी भी कैसा सीड में एक दायरे में कारोबार देखने को मिलता रहेगा? देखिए, अभी फिलहाल सीमित दायरा ही है। जब तक 6500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक तेजी नहीं है। 6500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए, उसके बाद इसमें तेजी बनती हुई दिखाई देगी जो इसको ऊपर ले जा सकती है। फिलहाल के लिए इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। आज अच्छी खासी निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है और 1% के आसपास हमने उसको ऊपर आते हुए भी देखा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे में 6480 से लेकर 6500 का स्तर हो सकता है आज आपको इंट्राडे में देखने को मिले। तो फिलहाल कैस्टर में बाइंग करके चला जा सकता है। जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल को 2400 तक जाते हुए देखा था लास्ट वर्किंग वीक में। आज देख रहे हैं कि 2500 के ऊपर निकला है सवा 1%। आपको क्या लगता है कि बिनौला खल इस कारोबारी सप्ताह भी 2500 के दायरे में ही देखने को मिलेगा? देखिए, बिनौला खल अब यहाँ से 2540 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आने पर 2600-2620 तक जा सकता है और बिनौला खल में तेजी है, इन स्तरों पर भी इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी, ये सर रूपा जी, नजर डालें अगर मसालों की तरफ, तो मसालों में देखने की धनिया काफी शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। धनिया के अंदर काफी तेजी देखने को मिल रही है। धनिया का दिसंबर वायदा 8772 पर कारोबार कर रहा है, 8878 का हाई लगा चुका है, लगभग 2% की तेजी है। और रूपा जी, नजर डालें जनवरी वायदे पे, तो वो 8900 के ऊपर निकल चुका है। रूपा जी, देख रहे हैं धनिया एक के बाद एक अब लगातार तेजी दिखलाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, साल के अंत तक और 2022 की शुरुआत में क्या धनिया एक नया रिकॉर्ड लेवल भी दर्ज कर पाएगा? ठीक है, धनिया की जहां तक बात है, देखिए धनिया में भी तेजी बनती हुई जरूर दिखाई दी है और 2% तक अपसाइड में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धनिया अभी फिलहाल जो है 8800 से लेकर 9000, फिलहाल देखिए अखिलेश 9000 का स्तर एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर वायदा में देखने को मिल सकता है। 9000 के ऊपर अगर बाजार रुकते हैं तो फिर लंबी तेजी में जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 8500 से लेकर 9000 की देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि अगर जनवरी वायदा की बात करें तो बिल्कुल जनवरी वायदा आपको 9200 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि धनिया की कीमतों में एक बार फिर से शानदार लेवल्स बनते नजर आ सकते हैं। ये सर रूपा जी, देख रहे हैं जीरे का दिसंबर वायदा भी 16465 पर कारोबार कर रहा है और 16600 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, देख रहे हैं कि जीरा भी लगातार अब तेजी की ओर है। रूपा जी, जनवरी की बात की जाए तो जनवरी फरवरी में हमने 2021 की शुरुआत में देखा था कि जो जीरा था वो 13000-14000 से शुरुआत करी थी उसने, और अभी तक एक साल के अंदर ही जीरा इतने तक की तेजी दिखा चुका है कि 16000 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या 2021 अंत होते होते 17000 या फिर उससे भी ऊपर का लेवल दिखलाने में कामयाब हो पाएगा जीरा? देखिए, 17000 का लेवल संभव है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दिसंबर वायदा में तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जनवरी वायदा में ये लेवल हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब करेक्शन बनता हुआ ऊपरी स्तरों से एक बार फिर से दिखाई दे रहा है और जिस हिसाब से जीरे की चाल है बिल्कुल स्लो बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन 16000 के ऊपर निकलने के बाद 400-500 की रैली हमने एक साथ आते हुए देखी है, लेकिन 17000 का स्तर संभव है। इससे ज्यादा भी फिलहाल तेजी की तरफ बाजार दिखाई नहीं दे रहा है। जी, ये सर रूपा जी, नजर डाले अगर हल्दी की कीमतों की तरफ, तो हल्दी का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 7432 पर कारोबार कर रहा है, 7500 का ही लगा चुका है, लगभग 2.25% की तेजी है। लेकिन वहीं पर नजर डालें अगर अप्रैल 2022 के सौदे के ऊपर, तो वो देख रहे हैं 8022 पर कारोबार कर रहा है। रूपा जी, दिसंबर 2021 का वायदा और अप्रैल 2022 का सौदा, दोनों में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 600 पॉइंट का डिफरेंस है। आपको क्या लगता है, ये जो इतना डिफरेंस है इसके पीछे की वजह क्या रह सकती है? क्या हल्दी में मान लिया जाए कि साल 2022 में ज्यादा तेजी बनने वाली है साल 2021 के मुकाबले?
देखिए अभी जो बाजारों के अंदर आप देखिए वो दिसंबर का वायदा है और ये अप्रैल का, इसमें महीनों का भी काफी डिफरेंस है, जनवरी फरवरी मार्च आप 3 महीने निकाल दीजिए और उसके बाद अप्रैल की बात है। तो अभी जो बाजार है अप्रैल के अंदर क्या लेवल जो वायदा है, अभी वायदे की अगर बात करें तो अप्रैल का वायदा शुरू हो जाएगा दिसंबर के बाद, जो कि रेंज जो दिखाई दे रही है वो 7800 से लेकर ऊपर में 8200 तक का बाजार जो है वो दिखाई दे सकता है। लेकिन 2022 में हो सकता है कि आने वाले दिनों में हल्दी के अंदर तेजी बने, लेकिन अराइवल्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अराइवल्स कैसी रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा और डिमांड आगे कैसे निकल कर आती है। लेकिन एक बात तय है कि आगे चलकर मसालों की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, जब सब कुछ ओपन हो जाएगा तो एक बार फिर से जो है मसालों के अंदर जो है वो तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मांग हावी हो सकती है और अराइवल आगे कैसे रहते हैं वो उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा और एक्सपोर्ट डिमांड कैसे निकलते हैं। अभी पीछे हमने देखा था कि एक्सपोर्ट डिमांड स्लो के थे जिसकी वजह से स्पाइसेस के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दी थी, लेकिन अब आगे आने वाले 2022 में उम्मीद की जा सकती है कि निर्यात मांग बढ़ेंगे और निर्यात मांग बढ़ेंगे और घरेलू मांग भी बढ़ सकती है और उसके बाद जो है कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और प्राइसेस तेज जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो रेंज है बाजारों की, अभी फिलहाल स्पाइसेस में कोई बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी ये सरूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार ग्वार सीड को लेकर आ रहा है, ग्वार गम को लेकर आ रहा है, जानना चाह रहे ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, जिस हिसाब से ग्वार गम में और ग्वार सीड में एक अच्छी रैली के बाद में जिस हिसाब से जो कीमतें हैं वो धड़ाम होती नजर आ रही हैं, लगातार 4-4% के निचले सर्किट लगते नजर आ रहे हैं, रूपा जी उससे हमारे जो दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं उनका सवाल ग्वार गम को लेकर वाजिब है कि आगे अब ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या रहेगा। ग्वार गम का दिसंबर वादा देख रहे हैं 11,399 पर है, लगभग 4% के निचले सर्किट के साथ, और ग्वार सीड का दिसंबर वादा देख रहे हैं 6135 पर है, लगभग 2.5% की गिरावट के साथ। रूपा जी, ग्वार गम और ग्वार सीड पर आपकी क्या राय है, आगे क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए ग्वार गम और ग्वार सीड, अखिलेश देखिए इसका फंडामेंटल इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं था, ये हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव था क्योंकि अभी बाइंग जो है काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। लेकिन हाँ, एक तरफ प्रोडक्शन कम बताया जा रहा था जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा था, और दूसरा हम कच्चे तेल में भी लगातार तेजी आते हुए देख रहे थे। अब जो ये गिरावट आती हुई दिखाई दी है, देखिए एक तो कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से काफी लुढ़क चुका है, उसका भी इम्पैक्ट है जो कि अमूमन देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल कच्चे तेल में गिरावट का इम्पैक्ट जो है अभी कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बाजारों के अंदर इन लेवल्स के ऊपर एक डर का माहौल भी बन चुका है व्यापारियों के अंदर कि अब बाजार अगर यहाँ से लुढ़के तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा कहीं गिरावट की तरफ ना चले जाएं। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए 10,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी है मार्केट के अंदर तो गिरावट की उम्मीद कम बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी इसके अंदर मुझे लगता है कि तेजी आना बाकी है। ग्वार जो है हो सकता है आपको वापिस से 13,000, और जो गम जो है वो 13,000, और सीड जो है वो वापिस से 7,000 के घरों में जाती हुई दिखाई दे। लेकिन अभी आज गिरावट हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से 4-4% के आसपास ग्वार गम और ग्वार सीड लुढ़का हुआ है। लेकिन हाजिर मंडियों में अभी इन स्तरों पर थोड़ा सा बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दी है, वहीं एक धड़ा इसमें खरीदारी की तरफ भी लगा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी ग्वार यहां से एकदम से क्रैश होती हुई दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से बाउंस बैक आ सकता है, गिरावट के बाद फिर से खरीदारी लौट सकती है। लेकिन हाँ, अभी सस्टेनेबल है 10,000 के ऊपर, तब तक आप पॉजिटिव मानकर चलिए, बहुत ज्यादा कोई मंदी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। जनवरी वायदा मुझे लगता है कि 13,000 से 15,000 के स्तर छू सकता है। वहीं सीड की बात करें जनवरी वायदा तो वो 7,000 से लेकर 7200 रुपए तक ऊपर जा सकता है। तो ग्वार के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है, आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, हम देखते हैं कि अगर कोई भी कमोडिटी हो, अगर मार्केट्स में उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और वो कमोडिटी महंगी है और ऑल्टरनेटिव्स सस्ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सस्ते ऑल्टरनेटिव्स पर, चीप ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट होती जाती है। आपको नहीं लगता कि जैसे ग्वार गम के ऑल्टरनेटिव्स इस समय मार्केट्स में मौजूद हैं और काफ़ी रीजनेबल रेट्स पर हैं, और ग्वार का इस बार प्रोडक्शन भी कम रहने की खबरें हैं, अगर इंडस्ट्री दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट होती है तो क्या इसका इम्पैक्ट ग्वार की कीमतों पर कहीं ना कहीं पड़ता नजर आ सकता है?
देखिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आ सकता। अखिलेश, ग्वार गम जो है वो ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा जो है ग्वार सीड जो है वो पशुओं के चारे के लिए ज्यादातर मतलब यूज की जाती है ये आइटम। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा, अब जो डिमांड जिस तरीके से पहले निकलती हुई दिखाई दी थी, मैंने फिर कहा कि फंडामेंटल इसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कीमतों को ऊपर लेकर जाए, क्योंकि इस ये कमोडिटी ऐसी है, एक तो इसका स्टॉक लंबे टाइम तक आप कर सकते हो जो कभी खराब नहीं होती, और दूसरी इसके अंदर एक खासियत ये है कि इसको पशु के खाने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, तो इसमें डिमांड जो है कोई एकदम से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन हाँ, जो ट्रेंड बन रहा है वो दिखाई दे रहा है, जो स्टॉकिस्ट है वो इसके अंदर गेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से इसके अंदर तेजी बन सकती है। और जो इसके ऑल्टरनेट की बात है, डेफिनेटली वो तो कोई भी प्रोडक्ट हो अगर उसका ऑल्टरनेटिव चीप है मार्केट के अंदर अवेलेबल, तो उसके ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, और उस ओरिजिनल प्रोडक्ट में भी वो मिक्सिंग आ जाती है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है अभी फिलहाल। जो ग्वार का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो तेजी का है, और अभी जो जो ट्रेडर की एक्टिविटी दिखाई दे रही है उस हिसाब से इसके अंदर तेजी है। फंडामेंटल इसका कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, और इतना भी फंडामेंटल वो नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कहीं गिरावट आती हुई दिखाई दे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्वार जो है निचले स्तरों पर हमेशा सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी इस कमोडिटी में। ऐसा एक बार प्रिडिक्ट हो रहा है कि वापिस से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, वापिस से ट्रेडर स्टॉकिस्ट व्यापारी लोग जो है वो एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर ह्यूज बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है अब ग्वार के अंदर हो सकता है आने वाले दिनों में घुसते हुए दिखाई दे, जो एक बार कीमतों को ऊपर ले जाकर वापिस से नीचे गिराते हुए दिखाई दे। तो इसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा आगे चलकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देखने को मिल सकता है, इसलिए बाइंग अभी मुझे लगता है कि करनी चाहिए, निचले स्तरों पर बाइंग करें, और जैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहे उसमें प्रॉफिट लेकर निकलते रहे। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है, मस्टर्ड सीड को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने देखा है कि जो सरसों है अभी भी तेजी की ओर ही है, हालांकि NCDX पर बैन हो चुकी है, सेबी द्वारा बैन लगाया गया है, लेकिन फिजिकल मार्केट में मंडियों के अंदर सरसों की मांग अभी भी जोरदार बनी हुई है, और जो आवकें हैं वो लगातार कम ही होती हुई नजर आ रही हैं। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या सरसों जिस हिसाब से इस समय फिजिकल मार्केट के अंदर 9000 के ऊपर है, तो अराइवल्स आते आते 10000 का भी लेवल दिखाए? देखिए मुझे बहुत ज्यादा सरसों में तो इतनी उम्मीद नहीं लगती है कि तेजी बनती हुई दिखाई दे, लेकिन हाँ सरसों के कंपैरिजन में सोयाबीन में तेजी मुझे अखिलेश दिखाई दे रही है, सोयाबीन तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सरसों में भी हाँ, जो अभी आप फिजिकल में जो रेट की बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है करंट लेवल से 200 से 400 रुपए की आपको तेजी आने वाले एक महीने के अंदर देखने को मिल जाए, लेकिन सस्टेनेबल कितना होगा ये कहना मुश्किल है। अभी बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिवनेस नहीं लगता सरसों, क्योंकि आगे क्रॉप अच्छी आने की उम्मीद की जा रही है, इस बार प्राइसेस काफी अच्छे आए हैं, तो सोइंग भी अच्छी खासी देखने को मिली है। लेकिन जहां तक सोयाबीन की बात है उसकी क्रॉप काफी डैमेज हुई है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सिनेरियो जो है वो काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डिमांड अच्छी खासी पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन में तेजी बन सकती है एज कम्पेयर टू सरसों। अब सोयाबीन जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, और सोयाबीन मुझे लगता है आने वाले दिनों में 6800 से हो सकता है कि 7000 का भी स्तर दिखा दे, जिस हिसाब से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी रूपा जी, सोयाबीन के ऊपर बात करना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपने भी बताया कि सोयाबीन 6800 से लेकर 7000 के भी लेवल दिखा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं। रूपा जी, सोपा द्वारा प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं लगभग 119 लाख टन के बताए गए हैं कि इस वक्त कि इस बार सोयाबीन का जो उत्पादन है 119 लाख टन के आसपास का रह सकता है, लेकिन रूपा जी उसके बाद भी हमने देखा था कि जो भारी बारिश का जो दौर था वो जारी रहा था, और सोयाबीन के जो फसलें थी, जो बुआई जो कटाई के लिए फसलें खड़ी रखी हुई थी, वो सारी की सारी बर्बाद होती नज़र आई थी, खासकर कि महाराष्ट्र में ज़्यादा बरसात देखने को मिली है। इस बार महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो फसलें हैं वो तबाह होती हुई नज़र आई हैं। रूपा जी, यहाँ से प्रोडक्शन पर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो बनता नज़र आ सकता है। दूसरा, अब किसानों ने भी सोयाबीन को स्टॉक करना शुरू कर दिया है, होल्ड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसानों को पहले तो जो दाम मिलना चाहिए था महंगे बीज खरीदने के बाद, बुआई करने के बावजूद, वो मिलता नज़र नहीं आया, और फिर MSP से भी नीचे सोयाबीन की खरीदी की गई मंडियों के अंदर। ऐसे में आपको क्या लगता है, और फिर ऊपर से
कृषि बिल वापस ले लिए गए, कॉरपोरेट की जो भागीदारी थी, हिस्सेदारी थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई है, कम होती नजर आई है, तो क्या सोयाबीन अभी भी तेजी की ओर ही रहेगा आगे जाके भी? बनती हुई दिखाई दे रही है और अखिलेश फंडामेंटल जैसे आपने अभी डिस्कस किया तो बिल्कुल सोयाबीन जो है आगे पॉजिटिव ही रुझान दिखाई दे रहा है और अभी प्राइसेस जो है जैसा कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब देखिए 6000 के ऊपर 6200 के ऊपर लगातार सस्टेन है तो इसके अंदर अभी तेजी बन सकती है जो कि इसको 6800 से 7000 तक ले जा सकती है। जी रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। उनका ये सवाल है बिनौला खल को लेके कि क्या करंट लेवल से, क्या मौजूदा दरों से बिनौला खल में खरीदारी करके चला जा सकता है? खरीदारी की जा सकती है लेकिन 2500 के नीचे के लेवल काफी अट्रैक्टिव थे और अगर आप चूक गए हैं तो या तो वेट कर लीजिए, अदरवाइज इन लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है क्योंकि टारगेट आगे काफी ऊपर दिखाई दे रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे तेजी बन सकती है और ये तेजी आपको ऊपर में देखने को मिल सकती है 2800 से 3000 तक आगे जनवरी वायदा में ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। जी एक और दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है। उनका सवाल है कि अभी लहसुन रोक के चलें या बेच के? थोड़ा सा विंटर सीजन में डिमांड पिकअप होने की वजह से थोड़ा बहुत प्राइजेस में बूस्टअप आ सकता है तो उसमें एक तेजी बन सकती है, छुटमुट आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि विंटर में इसकी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा भी तेजी तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे लेकिन हाँ छुटमुट तेजी बनती हुई दिखाई दे सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। जी दर्शक जुड़े हमारे साथ जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सोयाबीन इस समय बेच के चलना सही रहेगा या रोक के? रूपा जी आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए सोयाबीन को अभी रोक के चला जा सकता है। जी रूपा जी आपसे आखिरी सवाल रहेगा मेरा कॉटन के ऊपर, कॉटन में अभी क्या करके चलना सही रहेगा, कॉटन की क्या रिपोर्ट्स हैं आज आगे कहते हैं? कॉटन के अंदर भी अखिलेश अभी बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी और कॉटन में अभी खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए क्योंकि कॉटन की भी जो खबरें निकल कर आ रही है काफी क्रॉप डैमेज की खबरें हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कॉटन जो है आगे तेजी की तरफ जा सकता है, प्रोडक्शन कम रह सकता है और अभी हमने देखा भी अपने लाइफ टाइम हाई पर कॉटन की कीमतें देखने को मिल रही है तो अभी ज्यादा बहुत ज्यादा लंबी तेजी तो खैर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी तेज हो चुका है लेकिन यहाँ से करंट स्तरों से भी अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वायदा है वो 33,000 तक ऊपर जा सकता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी करंट लेवल्स पे डोमेस्टिक मार्केट पे 500 से 1000 रुपए की तेजी आ सकती है। जी जी आप आज टॉपिक के अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? कि मुझे लगता है कि आज सोयाबीन के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, सोयाबीन के साथ धनिया के अंदर आज बाइंग की जा सकती है, इन दोनों कमोडिटीज में तेजी देखने को मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है, किस कमोडिटी में खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।